हमारे खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। बात आज हम अजमेर दरगाह की करेंगे। अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे के बाद अब सियासत में भी उबाल आ गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस विवाद को लेकर बीजेपी, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा है कि 15 अगस्त 1947 तक बने जो भी धार्मिक स्थान है, जिस स्थिति में है वो उसी में रहेंगे, ये कानून बना हुआ है, उन पर सवाल उठाना गलत है। गहलोत ने यह भी कहा कि अजमेर दरगाह 800 साल पुरानी है, दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, दुनिया के मुल्कों के मुस्लिम भी यहां आते हैं, हिंदू भी आते हैं, प्रधानमंत्री कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी या किसी दल के हो, पंडित नेहरू के जमाने से मोदी जी तक तमाम प्रधानमंत्री की तरफ से दरगाह में चादर चढ़ती है। ये लोग चादर भी चढ़ा रहे हैं और उनके पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। इधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर समेत कई बीजेपी नेताओं ने मुगल काल में हिंदू मंदिर तोड़ने का दावा करते हुए याचिका का समर्थन भी किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तो खुदाई करवाकर अवशेष मिलने से फैसला होने तक की बात कह दी है। उधर कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे खतरनाक ट्रेंड बताया है, इसे विभाजनकारी एजेंडे का हिस्सा करार दिया है। दरगाह मुद्दे पर राजस्थान के अलावा राष्ट्रीय नेताओं ने भी तल्ख कमेंट किए हैं। इन सबके बीच सवाल उठता है कि दरगाह मंदिर की लड़ाई में सियासत इतनी क्यों गर्मा रही है, इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी इतनी तेजी से क्यों आमने सामने आ गई है। बड़ा सवाल यह भी है कि वोटों के लिए बात सियासत तक क्यों आ गई है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे और आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। देखिए, वैसे तो जहां तक मुझे जानकारी है कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब शायद 15 अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 1947 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, शांति स्थापित हो जाए। और शांति स्थापित हुई भी है, 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये आरएसएस बीजेपी सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर, आप देख तो राजनीति चल रही है देश में, चुनाव चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो हरियाणा का हो या पार्लियामेंट के हो, सारे चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर जीते जा रहे हैं और कुल के धर्म के आधार पर ये लोग अपने टिकट बांटते हैं। तो स्थिति तो बड़ी विकट है देश के अंदर, स्थिति इजी नहीं है। ये तो खैर इनको देखने की बात है, खुद को जो आज शासन में है, शासनकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। आपको भी मैं पूरा वक्त दे रही हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी से लेके अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं वो अजमेर दरगाह पर अपनी चादर हकीकत के रूप में पेश करते आए हैं, लेकिन हम किसी न्यायालय की प्रक्रिया से उस बात को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी धर्मों के प्रति सम्मान का हमारा लोकतंत्र में संविधानिक अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, तो हम धर्म का सम्मान की कहीं उसमें वो नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस पर स्टेटमेंट जारी करे, तो प्रधानमंत्री जी की ये न्यायिक मामला है और दरगाह कमेटी को नोटिस दिया हुआ है, पुरातत्व विभाग को नोटिस दिया है और अल्पसंख्यक विभाग जो अपने आप में एक केंद्र का विभाग है उनको नोटिस जारी किया है, तो विभाग अपना जवाब दे गए और दरगाह कमेटी भी अपना जवाब रखेगी। आप ये बात एक मान लीजिए कि न्यायालय ने नोटिस किया, उसका जवाब दिया जाएगा। अब इसमें कोई व्यक्तिगत नेता अपना स्टेटमेंट जारी किए, कोई भी किसी स्टेटमेंट जारी करे तो स्टेटमेंट जारी करेगा, क्योंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, सब जुडिस मामला है। तो मैं समझता हूँ कि किसी की स्टेटमेंट जारी करने से या नहीं जारी करने से वो अपनी 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 बात कहने का अधिकार इस संविधान में राइट टू एक्सप्रेशन सभी को है, हर समाज, हर धर्म, हर व्यक्ति अपनी बात को कहेगा, अपने अधिकारी को रक्षा करेगा और कहेंगे भी सही।
लेकिन हम ये बात कहना चाहें कि किसी पीएम स्पेस स्टेटमेंट जारी करे या कोई स्पेस स्टेटमेंट जारी करे, कोई क्या मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये जवाब देने का मौका दिया और जवाब देंगे और 20 दिसंबर के बाद जो न्यायालय करेंगे। सोमानी जी आऊंगे आपके पास। सैयद अशकर अली मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्राइम टाइम डिबेट में, बहुत स्वागत है सैयद अशकर अली आपका। अभी देखिए चर्चा हो रही थी, चर्चा काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस पूरे मामले पे। जिस तरह से अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, हालांकि लोअर कोर्ट तो सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, 20 दिसंबर का वक्त भी दिया गया है सुनवाई के लिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रुख है इस पे? देखिए जहां तक निचली अदालत ने इस मामले की सुनवाई रखी है और तीन मंत्रालयों को इन्होंने, तीन चीजों को, तीन विभागों को इन्होंने भेजे अपने, वो समाज कल्याण मंत्रालय जो और दरगाह कमेटी साथ में आर्कोलॉजिकल सर्वे जो होता है उनको भेजा है। अर्ज करना यह कि तीनों बॉडी ये भारत सरकार के अंतर्गत आती है, सरकार का खुद का दायित्व है कि वो इसको अच्छे से जवाब देंगे। क्योंकि जैसे मैं चर्चा सुन रहा हूँ यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनकी, और फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि ताजदारन चिश्तियान हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी की जो प्रसिद्धि है वो सिर्फ भारत में नहीं पूरे संसार में है। पूरे संसार से जब भी लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ कोई अतिथि आते हैं तो राष्ट्रपति हो चाहे कोई और अन्य व्यक्ति हो, वो वहां जाना पसंद करते हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये सारा दावा जो है ये सीपीसी में 7/11 के अंदर खुश हो जाएगा और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब इसके ऊपर बात चलेगी, जब रिप्लाई आएंगे, इश्यूज आएंगे, एविडेंस आएंगे, आर्गुमेंट होंगे, तो ये दावा वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दरगाह दीवान ने, सरवर चिश्ती ने, उसमें उन्होंने सारे राज इसके खोल दिए। उन्होंने ये भी बताया और हम सभी जानते हैं कि जब मोइनुद्दीन अजमेरी जब यहाँ आए अजमेर या हिंदुस्तान आए तो वो 11वीं सदी के अंदर आए, 1175 ईस्वी के अंदर आए, और जब वो अजमेर में आए तो जगह पूरी समतल थी। उनके इंतकाल के बाद यानी 1236 में जब उनके उन्होंने पर्दा लिया तो भी 150 सालों तक वो स्थान कच्चा रहा। अभी कच्ची कब्र में किस तरह कोई इस तरह कर सकता, 150 सालों तक कच्चा रहा। इस बीच में कई रिपोर्टें भी बनी, कई इतिहासकारों ने उसके बारे में लिखा। जेम्स टॉड जो है कि वो एक ऐसा खतरनाक जासूस था, जब वो भारत आया और जब वो उसका जाना विभिन्न स्थानों से घूमता हुआ अजमेर पहुंचा तो वो कहता है कि मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा ऐसी कब्र है जिसका जो दिलों में राज करती है लोगों के, उसने ये बात लिखी। मैं यह करना चाहता हूँ कि मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जो प्रसिद्धि है और जो श्रद्धा भाव, विशेषकर जो तमाम समुदाय लोग उसके अंदर जाते हैं, सनातन धर्म की महिलाएं, महिलाओं का बहुत ज्यादा उसके अंदर श्रद्धा है, बहुत ज्यादा आस्था उसके अंदर रखते हैं, और क्यों ना हो, वो संत लोग हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं, सभी लोग उसके अंदर आते हैं। ये मैं कहना चाहूंगा कि हमें जैसे कि श्री मोहन भागवत जी ने भी कहा और वो आप लोगों ने भी चलाया होगा चर्चा में कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना दुरुस्त नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने भी वही शिवलिंग का ही नाम लिया, उन्होंने मंदिर का भी नाम लिया जो कि यहाँ ढूंढा जा रहा है। इससे बढ़कर मैं आगे बताना चाहूंगा, खुद मोहन भागवत जी ने भी ये बात कही थी कि समानो मंत्र समीनी समिति समानी समानो मंत्र चित्त वैशाम, कि हमें समान बातों पर बात करनी चाहिए, समान चित्त हो, हमारे समान मन हो। अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय, हर भारतीय का उसमें योगदान होगा। तो अब आप इसे राजनीतिक विवाद मान रहे हैं या एक धार्मिक विवाद मान रहे हैं, इस पे क्या रुख है आपका? नहीं, ये तो विवाद है ही नहीं, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए एक शख्स जिसके ऊपर खुद कई केस चल चुके हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए। मैं नहीं समझता कि कोई राजनीतिक इसके अंदर इन्वॉल्व है या किसी बड़े संगठन का इसका इन्वॉल्व है या कोई सनातन धर्म के बहुत कोई बुद्धिजीवी या कोई सनातन धर्म के बहुत आस्था रखने वाले इसमें शामिल है। सबकी आस्था अपितु मोइनुद्दीन अजमेरी में है। ठीक है सुमानी साहब, सस्ती लोकप्रियता के लिए चीजें की जा रही हैं, अब इस पे क्या कहेंगे आप, क्या रुख रहेगा आपका? देखिए जिस विष्णु गुप्ता ने ये जो दावा पेश किया है और लगाया है तो ये न्यायालय में लगाया है, तो लोकप्रियता हो नहीं हो दावा खारिज हो सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई दावा लगा 8 सितंबर से लेके वो लगातार उसमें कुछ ना कुछ कमियां पूरी करते रहे और जिस तरह से दावा स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार करने के बाद नोटिस जारी कर लिए गए, तो नोटिस जारी करने के बाद से जब चर्चा में आए तो आजकल मीडिया सजग है और हर चीज को सामने लाते हैं और लोगों को पता भी लगता है। जब न्यायालय की प्रक्रिया हो गई और जब न्यायालय नोटिस जारी कर दिए तो जहां तक समझते हैं, क्योंकि 812वां उर्स अजमेर में होने जा रहा है और लेकिन आप ये मान के चलो कि जिस तरह से
आज अजमेर दरगाह की जो पूरे विश्व में पहचान है, और जिस तरह से न्यायालय ने अगर मान लो नोटिस जारी किए हैं तो कहीं ना कहीं ये बात तो चर्चा में आने का है। और लोकप्रियता सस्ती है, महंगी है, ये तो वक्त क्या है, न्यायालय की बात है। लेकिन ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि जब कोई जगह ऐसी होती है जहां पर कई लोग आते हैं पूरे विश्व में जिसका नाम है, और जहां पर जो चीज न्यायालय ने जो नोटिस जारी किए हैं, तो चर्चा का विषय तो होना स्वाभाविक है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे किसने दावा पेश किया या वो लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए किया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई दावा पेश करता है उसके पहले समस्त औपचारिकता पूरी करता है, और नोटिस भी जाते हैं, नोटिस के बाद जो जवाब भी आते हैं, और जवाब के बाद हमारे भी साथी कह रहे थे कि 7/11 में जो है दावा खारिज करने की जो एक तरह से दरखास्त भी लगाई जाती है, तो वो जैसी भी जो प्रक्रिया आगे रहेगी और न्यायालय उस पर अपने तमाम साक्ष्यों और जो मौजूदा जो सामने गवाह जो भी वो उनकी तरफ से एविडेंस जो करना चाहेंगे, तो उसके बाद जो तय होगा वो न्यायालय तय करेगा। लेकिन जो प्रक्रिया न्यायालय में चल रही है वो तो सबके सामने है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि लोकप्रियता सस्ती के लिए, जो चीज है वो है आपके सामने, और जो न्यायालय उसमें निर्णय करेंगे वो आगे तक चलेंगे। ये लंबे तक इसमें जब नोटिस दिया है, फिर जवाब आना है, विभाग का आना है, पुरातत्व विभाग का आगे क्या एक्शन रहता है, और दरगाह कमेटी अपना जवाब क्या दी, दरगाह कमेटी को पूरा मौका दिया है। चलिए ठीक है सैयद अशगर जी का रुख करती हूँ। सैयद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि न्यायालय में कोई भी दावा कर सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। न्यायालय का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि कोई उसके पास याचिका लाता है तो वो उसको सुनने के लिए अपना रिप्लाई देते हैं, और यह भारतीय सिविल प्रोसीजर में ऐसा रूल है कि अगर कोई दावा ऐसा किया गया है जो कि हमारे किसी कानून से टकराता है तो वो दावा 7/11 में खारिज हो जाता है। जैसे कि हमारा जो पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो ऑलरेडी हमें ये सुविधा देता है कि अगर हम ये देखें कि इस तरह के दावे 2020 में उज्जैन महाकाल का मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, हिंदू धर्म में बहुत बड़ा स्थान माना जाता है, उसके लिए कह दिया गया कि इसके अंदर जो है 1000 साल पहले का बुद्ध टेम्पल मौजूद है। इन्हीं चीजों को बार बार निकालने के लिए ही हमारे ये 91 कानून आया था कि हम उन सब चीजों को अब यथास्थिति में रखेंगे जो उस तरह है। जैसे कि आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भी इस तरह का बयान दिया, उसमें आस्था ऐसी रही है कि हमारी श्रीमती वसुंधरा राजे जी वहां पर चादर भेजती थी, उनका खास लगाव तो अटल बिहारी वाजपेयी का अजमेर से रहा है, कई बार वो जाते रहे। स्वर्गवासी जो हो गए हमारी सुषमा स्वराज जी, वो जाती रही। प्रीति जिंटा, उर्मिला मातोंडकर, कंगना रानौत, कैटरीना कैफ, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, अभिषेक, मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूं कि विशेषकर सनातन धर्म की महिलाएं, उनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है और वो पाती है वहां से, वो वहां से उनको फायदा होता है, तभी तो वो जाते हैं। आधार पर ये दावा किया जा रहा है अली साहब, एक किताब के आधार पर ये दावा किया जा रहा है। हरविलास शारदा की ये किताब है, 1910 में आई थी, उसके बाद फिर 1920 में इसे पब्लिश किया गया था। उस किताब को आधार बनाते हुए कई दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, इन दावों को आप कितना सही मानते हैं या कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो जिस किताब को लेकर दावा किया जा रहा है वो शख्स कोई इतिहासकार नहीं थे, और जो इतिहासकार हमारे यहाँ रहे उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उसके अंदर आप देख लें 1829 में दरगाह को एक्सप्लेन किया गया, और खुद ये मैं जेम्स टोट का मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने किया। साथ ही साथ कई ऐसे निर्णय पहले आ चुके हैं जिसके अंदर ये बात बता दी गई कि दरगाह अपनी यथास्थिति में, और वो 150 साल तक कच्ची रही। ये कैसे पॉसिबल है कि कच्ची दरगाह को के अंदर कोई मंदिर होगा? और ASI को तो कोई जाना ही नहीं चाहिए, जो है नोटिस उसको पता नहीं किस तरह भेज दिया। मैं ये समझता हूं कि अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो समस्त भारतीय का उसमें योगदान होगा, एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, हम विश्व गुरु बन सकते हैं। करती हूं भटनागर साहब, विष्णु गुप्ता ने तो ये तक कहा है कि वो 2 साल तक अजमेर में रिसर्च करते रहे, वो दरगाह के अंदर गए हैं, कई चीज़ें उन्होंने देखी है जिसका उन्होंने जिक्र किया है कि दरवाजों की बनावट और नक्काशी, जो स्ट्रक्चर है, पानी और जो झरने हैं, वो सब कुछ यहाँ पर ये बता रही हैं कि यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में उन्होंने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, ये ठोस बात नहीं, वो हो सकता है ऐसी बातें करिए, लेकिन इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चूंकि ये तय करने का अधिकार माननीय न्यायालय को है, इस संदर्भ के अंदर माननीय न्यायालय सभी पक्षों को विस्तार से सुनेगा, उनके द्वारा जो साक्ष्य है उनको देखा गया, उसके आधार के ऊपर तय होगा कि उन्होंने जो दावा किया उसका स्टेटस क्या है। लेकिन जब तक उसका स्टेटस ही तय नहीं हुआ है, उससे पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है उन्होंने उसको अचीव कर लिया,
उन्होंने जिस तरीके का माहौल बनाना था प्राथमिक नजरिए से उन्होंने प्राइमरी स्टेज पे वो बना लिया है। जिस तरीके के इनके नेता जिम्मेदार, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके मंत्री जब इस प्रकार के बयान देंगे तो वे कहाँ इस चीज के लिए हम इन पे विश्वास कर सकते हैं? बयानों की बात करेंगे तो कांग्रेस के नेताओं ने भी क्या बयान दिए, वो भी आपके सामने है। बयान की बात आप मत कीजिए, आप तो ये बात कीजिए कि जो न्यायालय में है और न्यायालय के साथ दूसरे के लिए एक बार जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, फिर आप भी सवाल करिएगा, आपसे भी जवाब होंगे, ठीक है? भटनागर साहब, आप संक्षेप में अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए भारतीय, मेरा साफ तौर पे ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा छुपाकर पीछे से वार किया। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे विष्णु गुप्ता ने ये वाद लाया है और भारतीय जनता पार्टी का एक ही फेवरेट सब्जेक्ट है जातिवाद और ध्रुवीकरण, और ये गेम वो इसी वाद के माध्यम से खेलना चाह रहे हैं। हम उनको इस चीज में सक्सेस होने नहीं देंगे। हम हमारा पक्ष रखने के लिए, हमारी बात रखने के लिए और भाईचारे बनाए रखने के लिए मजबूती से आम जनता के साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है? हम भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है उसको कामयाब होने नहीं देंगे। मैं भटनागर जी की बात को इस सिरे से खारिज करूंगा कि ये कह रहे हैं जनता के साथ खड़े हैं, ये जनता के साथ कहीं नहीं खड़े हुए, ये पहले भी नहीं खड़े थे, आज भी नहीं खड़े हैं, वो लगातार जनता इनको जनादेश के रूप में देती आ रही है। और जो मैं कहना चाहूंगा कि जो न्यायालय की प्रक्रिया में हम इस तरह के एक तरह से सीधा सीधा राजनीतिक आरोप लगाना या भारतीय जनता के पार्टी के रूप में आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विष्णु गुप्ता ने अपना दावा पेश किया है और आप ये कह रहे हैं कि चुपके वार, ये वार, तो ये समझते हैं कि राजस्थान में या भारत में संवैधानिक संस्थाओं को देखते हुए ये संवैधानिक संस्थाओं को चाहे ईडी हो चाहे सीबीओ न्यायालय तक भी आरोप लगाने लगे, इनके कांग्रेस के कई नेता न्यायालयों के लिए भी बोलने लगे। तो मैं समझता हूँ कि न्यायालय प्रक्रिया को भी अगर आप इस तरह के, आज तक पहले कभी देश के इतिहास में इस तरह का हवा नहीं जिसे वर्तमान में कांग्रेस जो है, भारतीय जनता, हमने कांग्रेस की सरकारों को बरसों तक देखा भारत में आजाद होने के बावजूद, लेकिन हमने कभी न्यायालय पे सवाल नहीं उठाए, हमने न्याय ईडी सीबीआई, अब जिस तरह के सवाल ही है, जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश में और देश का जो है विश्व में परचम लहरा रहे हैं और ये वर्तमान में सभी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगाना गलत है, क्योंकि न्यायालय ने जब किसी ने दावा पेश किया और नोटिस जारी किए, हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि आप इस तरह के आरोप न लगाएं, जबकि कांग्रेस सरकार के समय कई बार बम विस्फोट और किस तरह की घटनाएं हुई, किस तरह का अमन चैन आम आदमी का, पहले अपने नेताओं को संयम बरतने के लेकिन वर्तमान में आप देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है और भाईचारे के साथ स्वार्थपूर्ण के साथ लोग रह रहे हैं, जैसे आप इस तरह की स्टेटमेंट जारी करके कांग्रेस भावनाएं भड़काने का काम कर रही, तुष्टिकरण की, ठीक है? भटनागर साहब, सुमानी साहब, सैयद साहब, आपका रुख करूंगी। एक आपको नहीं लग रहा कि मुस्लिम धार्मिक स्थलों को हिंदू होने के दावों का जो एक पैटर्न है वो अब बनता चला जा रहा है? हाँ, ऐसा महसूस होता है कि देखिए मैं ये नहीं कहता कि कालांतर में कुछ गलतियां नहीं हुई, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कालांतर में गलतियां हुई है, लेकिन इस उन जिसे हम कह सकते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि कई मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है? मैं ये मानता हूं कि कालांतर में गलतियां हुई है और कई मुगल शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने जुल्म किए और मजलूम कोई भी हो सकता है, लेकिन आज स्थिति हमारी प्रेम की स्थिति है। दूसरी ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर ये मस्जिद मंदिर है या मंदिर मस्जिद है, किसी मंदिर को टूटते हुए आज तक हमने नहीं देखा, लेकिन एक बड़ी मस्जिद को हमने पूरे संसार में टूटते हुए देखा, बाबरी मस्जिद। उसको फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ये एक अपवाद है, बाकी किसी भी सूट पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ किस तरह की याचिकाओं को सर्व संज्ञान सुप्रीम कोर्ट खुद ले। अंतिम बात में ये कहना चाहूंगा कि 20 फरवरी 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अजमेर दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर और प्रॉपर्टी को लेकर जेपीसी की बैठक बुलाई थी, जिसकी रिजल्ट 20 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में इसे रखा गया, जिसमें दरगाह को लेकर पूरी कहानी मौजूद है, इसमें ख्वाजा साहब की दरगाह कैसी थी और कहा थी और क्या उसमें मंदिर था, सारी रिपोर्ट सरकार की है, तो सरकार खुद जवाब देगी, सरकार को नोटिस गया है, सरकार खुद इसका पक्ष लेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ ये दावा चलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, विकास सुमानी जी, प्रियदर्शी भटनागर साहब और सैयद अशगर अली साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए, अपनी बातें हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखिए ये मुद्दा क्या राजनीतिक है या धार्मिक है, आगे ये क्या रूप लेता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लोअर कोर्ट में 20 दिसंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है और आगे क्या तस्वीरें निकल के सामने आएंगी, लगातार हम आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल आज प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही, प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।